क्या हरियाणा में बढ़ रही है कांग्रेस की मुश्किलें? क्या कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों की गुटबाजी से कमजोर हो रही है सरकार पार्टी? आखिर एक मंच पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं सभी कांग्रेसी? क्या कांग्रेस में बढ़ रहे विरोध का फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा? मजबूत प्रत्याशियों और एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर के चलते कांग्रेस के पक्ष में बनी हवा के बावजूद लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए अब इतना आसान नहीं लगता। प्रदेश में कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। मतदान की तिथि तक अपने पक्ष में माहौल बनाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों की गुटबाजी कमजोर कर रही है पार्टी को और कांग्रेस में बिखराव का असर नजर आने लगा है? एक तो संगठन नहीं होने के चलते बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस बूथ स्तर तक पहुंचने में पिछड़ रही है। दूसरा, प्रदेश के दिग्गज नेताओं की गुटबाजी भी पार्टी के लिए घातक साबित हो रही है। अभी तक हरियाणा में पार्टी के स्टार प्रचारक नहीं उतरते दिखाई पड़ रहे हैं। केवल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ही कमान संभाले हैं। ये दोनों ही सिरसा जाने से बच भी रहे हैं। कांग्रेस अभी तक हाईकमान के नेताओं के लिए रैलियों की तारीख और स्थान तय नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ बीजेपी के सीएम और पूर्व सीएम प्रदेश के 86 विजय संकल्प रैलियां कर चुके हैं प्रदेश के भीतर। इसके अलावा 16 मई से पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ भी धड़ाधड़ रैलियां करने का प्लान कर रही है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान इस लिहाज से नहीं हुआ है। कई सर्वे के बाद 26 अप्रैल को जब कांग्रेस ने प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो उस समय प्रदेश में अचानक से कांग्रेस की हवा बनी और लोगों में चर्चा थी कि इस बार कांग्रेस कई सीटों पर जीत सकती है। आम व्यक्ति से लेकर सट्टा बाजार, चुनावी विश्लेषक, कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता सब 5 सीटों पर जीत तय मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मतदान नजदीक आया बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और जमीनी स्तर पर काम किया और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रचार कमजोर पड़ा। कांग्रेस वैसे भी सेल्फ गोल के लिए जानी जाती रही है। आपको बता दें हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अब महज 10 दिन का समय बचा है। चुनाव प्रचार अब 8 दिन और चलेगा। दोनों पार्टियों का आकलन करें तो अब तक बीजेपी 86 विजय संकल्प रैलियां कर चुकी है। मनोहर और नायब सिंह सैनी की जोड़ी अधिकतर विधानसभा हलकों में काम कर रही है, कवर कर चुकी है। वहीं देरी से प्रत्याशी उतारने के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अब तक 7 लोकसभा क्षेत्रों में 28 रैलियां ही कर पाए और मात्र 8 दिन बचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकूला में रोड शो कर चुके हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा हरियाणा में प्रचार कर चुके हैं। 16 मई से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार के लिए आ रहे हैं। इसके बाद हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां प्रोजेक्टेड हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रम हैं जो कि हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान की ओर से अभी तक कोई बड़ा नेता हरियाणा में नहीं दिखा। जनसंपर्क की बात करें तो बीजेपी इसमें कांग्रेस से बहुत आगे। जिला ब्लॉक से लेकर मंडल स्तर, बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख तक बीजेपी ने प्रचार प्रसार में उतार दिए। मतदाताओं के घर घर दस्तक हो रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान का कहना है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया जा रहा है। एक दो दिन में शीर्ष नेताओं के दौरे भी तय कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने 40 नेताओं के स्टार प्रचारक बनाए हैं। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी केंद्रीय नेता हैं। इनके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मंत्री आनंद शर्मा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सचिन पायलट, तमाम ये बड़े नेता हरियाणा में प्रचार कर सकते हैं क्योंकि ये स्टार प्रचारक हैं। लेकिन इनमें से अभी तक कोई नहीं आया। इनके अलावा हरियाणा के ही नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सिर्फ सिरसा लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित हैं, जबकि अन्य विधायक, पूर्व विधायक सभी अपने अपने हलकों में एक्टिव नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के भीतर हो रही गुटबाजी बीजेपी को फायदा देगी? चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी और जेजेपी प्रत्याशियों के विरोध किए जाने से बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना है। इससे मतदाता मुखर और साइलेंट होकर दो भागों में बंट सकते हैं। जो शांत है वो अधिकतर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसी कारण जहां जहां विरोध हो रहा है बीजेपी उस क्षेत्र और गांव के साइलेंट मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, बशर्ते कि उनके जो कि मुखर है। अब आपको बताते हैं कि राज्य में किन मुद्दों को कांग्रेस भुनाने में नाकाम रही है। चुनाव की घोषणा से पहले महिला पहलवानों के यौन शोषण का मुद्दा पूरे देश में गूंजा, लेकिन कांग्रेस इसे नहीं भुना पाई। जबकि आंदोलन के समय कांग्रेस ने खुलकर खिलाड़ियों का साथ दिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव, वो भी उस पर बोलती दिखाई पड़ी थी। लेकिन चुनाव में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसी नेता सरकार को घेरने में सफल नहीं हुए। इसके अलावा किसानों का मुद्दा, कांग्रेस के नेता हर जगह खड़े रहे किसानों के साथ, लेकिन ये मुद्दा चुनाव के समय वो नहीं भुना पाए। चुनाव से पहले तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बेरोजगारी के लिए बढ़ते मुद्दे को कई बार उठाया था, लेकिन चुनाव आते आते पहले दूसरे चरण के बाद वो भी मुद्दा ठप हो गया। अब देखा जाए तो हरियाणा में
कांग्रेस और बीजेपी की अगर टक्कर को सीधे तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी बढ़त के साथ नजर आती है। कांग्रेस जनसभाओं में, रैलियों में, स्टार प्रचारकों में और मुद्दे उठाने में सब जगह गौड़ दिखती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।